पाकिस्तान के अलवर से पाकिस्तान अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से मिलने गई। अंजू ने वहां से कॉल करके हिंदुस्तानी पति अरविंद को जमकर धमकाया और अपशब्द भी कहे। अंजू ने कहा कि बच्चों से मिलने के लिए भारत वापस आऊंगी। हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुंची अंजू ने पहले मजहब बदला, फिर नाम और अब लहजा भी बदल लिया है। हर दिन के साथ अंजू उर्फ फातिमा के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। इस बात का सबूत उसके धमकी भरे बोल हैं। अंजू ने अपने पति अरविंद को कॉल कर खुलकर गालियां दी और धमकी भी दे डाली। अंजू की बातों में कॉन्फिडेंस साफ तौर पर झलक रहा है। उसने ना किसी का खौफ है और ना ही किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है। शायद इसकी वजह उसे पाकिस्तान में मिल रहा इम्पोर्टेंस भी है। पाकिस्तान के बिजनेसमैन की तरफ से अंजू को 40 लाख रुपए से ज़्यादा का प्लॉट दिया गया है। कई बेशकीमती तोहफे अंजू को मिले हैं वहाँ पर। इसके अलावा एक महीने का वीज़ा भी अंजू को मिल गया है। घर बैठे नौकरी भी दी गई है। घर बैठे पैसे भी अंजू को मिलेंगे और शायद यही वजह है कि इन सभी सुविधाओं के बाद अंजू का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। अपने पति अरविंद को जब उसने फ़ोन किया तो साफ तौर पर ये देखा जा सकता था, सुना जा सकता था। अब शब्दों का इस्तेमाल किया, गंदी गालियां दी और कहा कि बच्चों से मिलने आऊंगी। ऑडियो भी वायरल हो रहा है, वो ऑडियो जिसमें अंजू और फातिमा फोन करती है, अपने पति से बात उसने की, अरविंद से उसने बात की और फिर धमकियां दी। हालांकि इससे पहले अंजू ने यह भी कहा था कि मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। हालांकि अंजू के दावे पर किसी को यकीन नहीं है क्योंकि वो कई बार झूठ बोल चुकी है। अंजू अपने घर से एक शादी में शामिल होने और बहन के पास जाने के लिए बोलकर बाहर निकली थी, लेकिन वो पाकिस्तान पहुंच गई। दूसरी बार उसने पाकिस्तान पहुंचने के बाद 2 दिनों में भारत वापस लौटने की बात की थी, लेकिन बाद में उसे भी टाल दिया। अंजू ये कहकर पाकिस्तान गई कि 2 से 3 दिन में वापस भारत लौटेगी, लेकिन अब तक अंजू और फातिमा वापस नहीं आई है। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ बेहतर तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ, और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है, और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पर आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से, सबसे, कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। बस ये रिक्वेस्ट है, उनको परेशान ना करें प्लीज। जो कुछ बात करनी है मुझसे बात करें। अंजू पर पाकिस्तान मेहरबान है। अंजू नसरुल्लाह के परिजनों और रिश्तेदारों से गिफ्ट लगातार ले रही है, शुभकामनाएं लेती नजर आ रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में अंजू को नसरुल्लाह के रिश्तेदार और परिवार वाले निकाह के बाद गिफ्ट दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि नसरुल्लाह से निकाह करने के बाद अंजू को पाकिस्तान के जाने माने बिजनेसमैन ने 10वीं मंजिल पर एक फ्लैट दिया। बाजार में इस फ्लैट की कीमत 40 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। ऐसे में अंजू के भारत लौटने पर आशंका अब जताई जा रही है। अंजू ने पहले भी इंटरव्यू में भारत वापस ना लौटने की ओर इशारा किया था। इन तस्वीरों में आप देखिए अलग अलग अंजू पाकिस्तान गई और वहां कैसे पाकिस्तान मेहरबानी में जुटा हुआ है। पाकिस्तानी पुलिस और स्थानीय लोगों का दावा है कि अंजू ने नसरुल्लाह के साथ स्थानीय कोर्ट में बाकायदा हलफनामा देकर निकाह कर लिया है। पुलिस ने बताया कि अंजू को सुरक्षा भी दी गई। हाल ही के वीडियो में अंजू को निकाह के बाद स्थानीय लोगों से गिफ्ट लेते हुए भी देखा जा रहा है। वो नसरुल्लाह के साथ टिकटॉक वीडियो भी बना रही है। ये अलग अलग तस्वीरें 5 आप देखिए जिसमें अंजू नसरुल्लाह के साथ नजर आ रही है। इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक है और PSG ग्रुप पार्क स्टार कंपनीज और पार्क सिटी इसका मैं मालिक हूँ। हम बुनियादी तौर पे ये जो काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया के अंदर हमने देखा कि ये जो अंजू नाम की लड़की हैं, जो जिनका ये ससुराल है यहाँ पे जो आई हैं हिंदुस्तान से, और इनका जो नाम फातिमा भी जो नाम यहाँ पे इन्होंने इस्लामिक नेम रखा है, तो हम बुनियादी तौर पर इस खुशी के इजहार के साथ कि एक खातून एक मुल्क से वहाँ से ट्रेवल करती है, यहाँ पे आके इस्लाम को कबूल करती है और उसके बाद वो यहाँ पे आके अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, तो हम इस खुशी के साथ उनको मुबारकबाद देने के लिए भी आए और इस्लाम के अंदर वेलकम करने के लिए भी आए। ये तरीक़ाकार बुनियादी तौर पे हमारे अकाबरीन बुज़ुर्गों का, हमारे अजदाद का है। पहले वक्तों में भी
अगर कोई दीगर मजाहब से कोई लोग मुसलमान होते थे तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए हमारे आबा अजदाद ये काम करते थे। तो हमारी ये छोटी सी कोशिश थी कि हम जो अपने हिस्से का काम कर सकते हैं तो उसके लिए। दूसरा हमारा ये था कि जब कोई अदर कंट्री के अंदर जाता है तो सबसे बड़ा मसला उसके लिए घर का होता है, उसकी रिहाइश का होता है। तो चूँकि हमारा पार्क सिटी जो है एक रियल स्टेट प्रोजेक्ट है हमारा, तो हमने ये समझा कि हम उसके अंदर इनको अकोमोडेट कर सकें। तो हमने एक छोटी सी काविश हमारी, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल है कि हमने 10 मरला का एक ऑल ड्यूज क्लियर ADC प्लॉट इनके नाम का, इनका डाटा सारा गूगल से हमने लिया इनके नाम का बना के, तो वो आज हमने इनको यहाँ पे आके दिया। बाकी छोटे मोटे कुछ तोहफे हैं, एक चेक है, वो सिर्फ इसलिए कि हम इनके साथ जितना हेल्प कर सकें ताकि उनको यह एहसास ना हो कि इस्लाम कबूल करने के बाद उनको कोई मुश्किलात हैं।